है, तो बड़े बड़े ध्यान से इनको पहले समझिएगा, उसके बाद हम लिखवाएंगे। अमरजीत माइक बंद कर लीजिए। तो पहले जो है, अमरजीत माइक बंद कर लो, आपका माइक ओपन है। तो प्याजे का सबसे पहले ध्यान रखिएगा, प्याजे है क्या? हमने कल भी बताया था, जिन प्याजे जिनका जन्म 1896 में 1896 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में। रिकॉर्डिंग हमने लगा दिया मीना, स्विट्जरलैंड में हुआ था। मूल रूप से प्याजे जो थे वो प्राणी विज्ञान जियोलॉजी के विद्वान थे। इसके अतिरिक्त प्याजे ने दर्शन के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में और मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी गहरा अध्ययन किया है। तो एक जो प्याजे हैं वो एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है। जैसे हमने कहा दर्शन के क्षेत्र में, चूंकि साइकोलॉजी मनोविज्ञान जो पहले दर्शन का ही पार्ट था, बाद में उसे दर्शन से हटा करके, जो पिछले वीडियो में हमने बताया है कि बाद में उसे एक अलग विषय के रूप में रखा गया। अब प्याजे का जो शुरुआती दर्शन था, प्याजे ने अपने दर्शन की ज्ञान मीमांसा और प्राणी विज्ञान में संबंधों की खोज की। यहाँ पर दो शब्द आया था, हमने बताया था ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मतलब होता है नॉलेज, मीमांसा मतलब होता है साधन, अर्थात ज्ञान मीमांसा मतलब होता है ज्ञान को जानने का साधन। आखिर उन्होंने खोज करने का प्रयास किया कि ज्ञान को जानने का साधन क्या है, जिसे इपिस्टीमोलॉजी कहते हैं। ज्ञान को जानने का साधन क्या है, प्राणी विज्ञान से उसका क्या संबंध है, और इसी कार्यों के लिए उन्होंने बाद में जाके वो मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में भी प्रसिद्धि हुई। फ्रांस के एक मनोवैज्ञानिक विने थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने बहुत सारे काम किया। उस समय की जो 18वीं शताब्दी की जो थॉट था, उसमें जो दार्शनिक थे, मैंने बताया भी था जो पहली बार ज्वाइन किया समझना, तीन दार्शनिक हुए थे, डेकार्ट, स्पिनोजा एंड लाइबनिस। ये तीन दार्शनिक थे, इनका मानना था कि ज्ञान जो है जन्मजात होता है, जो नॉलेज होता है वह जन्मजात होता है। ये भी यूरोपीय वैज्ञानिक थे, फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, और चूंकि प्याजे भी पहले दार्शनिक थे, तो जो पहला थॉट आया डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनीज ने कहा कि ज्ञान जन्मजात होता है, बच्चे जन्म से ही सीख कर आते हैं। जैसे भारत के संदर्भ में लोगे तो अभिमन्यु ने अपने माँ के गर्भ से ही चक्रव्यूह रचना सीख लिए थे। लेकिन यहां पर प्याजे का मानना था, प्याजे ने पूर्व ज्ञान का खंडन किया। उन्होंने कहा कि जो बुद्धि है, जो नॉलेज है, वो जन्मजात नहीं होता है, बल्कि उन्होंने इसका खंडन किया कि बुद्धि जन्मजात नहीं होता है, बल्कि जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती जाती है, उनका कार्य क्षेत्र बढ़ता जाता है, वैसे वैसे बच्चों में जो है ज्ञान का विकास होता है, वैसे वैसे बच्चों में जो है नॉलेज का डेवलपमेंट होता है। प्रारंभ में बच्चे सरल प्रक्रिया को सीखता है, इजी चीजों को सीखता है, फिर जैसे जैसे बड़े होता है वो कठिन चीजों को सीखता है। तो कोई चीज जन्मजात नहीं होता है। प्याजे का मानना था कि बच्चों का मस्तिष्क जैसे जैसे मजबूत होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, बच्चा कठिन से कठिन चीजों को भी सीखने लगता है, और ये सीखने की प्रक्रिया में वातावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारे चारों ओर का जो वातावरण है,
उससे ही बच्चे ज्ञान का अर्जन करता है। इसके लिए प्याजे ने कॉग्निटिव थ्योरी दिया, संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया। इसके लिए उन्होंने दो पदों का यूज किया, पहला तो संगठन, दूसरा अनुकूलन। मतलब अनुकूलन मतलब होता है कि एडॉप्टेशन, कि प्याजे के अनुसार बच्चे में अपने पर्यावरण के साथ समायोजन करने की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है। कि जब बच्चा बाहर आता है, माँ के गर्भ से बाहर आता है, तो अपने वातावरण से वो एडॉप्टेशन करता है, संबंध स्थापित करता है। जो वातावरण उनको अच्छा लगता है उसकी ओर आकर्षित होता है, और जो वातावरण उसे अच्छा नहीं लगता है उससे वो दूर होने की कोशिश करता है। जैसे आप समझ लो, एक बच्चा, खूब गर्मी चल रहा है, जून का महीना है, 4-5 महीने के बालक है, उसे गर्मी में लेके जाओ वो रोने लगेगा, और उसी बच्चे को एसी में नॉर्मल टेम्परेचर में लेके जाओ वो चुप हो जाएगा, क्योंकि वो गर्मी को एडॉप्ट नहीं कर पा रहा है। अब कहता है ये जो अनुकूलन के भी दो उपक्रियाएं होती है, प्याजे ने बताया, एक होता है आत्मसातीकरण, बच्चा किसी चीज को आत्मसात करता है और उन चीजों के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। जैसे प्याजे ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि जैसे कि जो छोटे बच्चे होता है वो अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा बहुत कुछ सीखता है। ज्ञान इंद्री जो 5 इंद्रियां होता है, आंतरिक इंद्रिय और बाह्य इंद्रियों के द्वारा, आंख, कान, नाक, जीव, त्वचा, उसके द्वारा वो वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है। धीरे धीरे अगर उनके अनुकूल नहीं होता है, जैसे कि सोनिया ने बताया, कल भी हमने चर्चा किया, एक छोटा बालक है, 4-5 महीने के बालक है, उसे किसी डिस्पेंसरी में ले जाओ वो रोने लगता है। इसलिए कि वहां गया था तो उन्हें टीका पड़ गया था, उन्हें दिक्कतें हुई थी वहां नहीं। या छोटे बालक को एक बार मिर्ची खिला दो, वो हरी चीज कोई भी अपने मुंह में नहीं लेगा। और मतलब कि प्याजे ने कहा, प्याजे ने 4 अवस्थाएं दिया था। पहला था संवेदी पेशी अवस्था, कल ही पढ़े थे, कल का वीडियो जरूर देखना, सेंसरी मोटर स्टेज। यहाँ संवेदी मतलब क्या, सेंसरी मतलब संवेदन, किसी चीज को महसूस करना। कहता है कि जो संवेदी पेशीय अवस्था होती है, प्याजे इसे कॉग्निटिव सिद्धांत की पहली अवस्था कहा। इन्होंने कहा कि पहली अवस्था में बच्चे 0 से लेकर 2 साल तक रहता है। इन 2 साल में बच्चे सहज क्रिया कहते हैं, जैसे ज्ञानेंद्रियों की सहायता से, आंख, कान, नाक, जीव, त्वचा की सहायता से उन आपस के वातावरण को महसूस करता है, उससे सामंजस्य स्थापित करता है, और सामंजस्य स्थापित करके वो अपना रिएक्ट करता है। जैसे उन्होंने हर चीजों से सामंजस्य स्थापित कर लिया, अब जो उनके अनुकूल रहेगा उनके तरफ वो अट्रैक्ट होगा, और जो अनुकूल नहीं रहेगा उनके तरफ वो अट्रैक्ट नहीं होगा। कल भी हमने उदाहरण बताया कि एक जो कोई व्यक्ति है वो छोटे बच्चे को एवरी टाइम डांटते रहो, वो आपके गोद में नहीं जाएगा, और जो एक प्यार दो आपके गोद में वो चले जाएगा, क्योंकि बच्चे यहीं से सीखना शुरू कर देते हैं और हर चीज को वो सीखते हैं। कल मैंने उदाहरण भी दिया, एक औरत है जो चाहती थी कि मुझे पोता हो, गलती से हो गई पोती, अब उनसे वो प्यार ही नहीं करती, उनको गोद भी नहीं लेना चाहती। अब बच्ची 8-9 महीने के हो गई, वो भूल के भी वो अपने दादी के गोद में नहीं जाती, वो कितना कुछ भी दे दे वो दादी के गोद में नहीं जाती, क्योंकि वो समझ गया कि वो उनके साथ सामंजस्य स्थापित नहीं हो रहा है। तो पहली अवस्था में जो प्याजे ने कहा, याद रखिएगा, ये 4 अवस्था नीट में भी पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है। पहला हमने लिखाया था संवेदी पेश, प्याजे ने 4 अवस्था की चर्चा किया था। पहला था संवेदी, पहला ये था
संवेदी पेशीय अवस्था। प्याजे ने हेडिंग हो जाएगा आपको, प्याजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत के चार अवस्थाएं बताए। कल का वीडियो जरूर देख लेना। प्याजे ने संज्ञानात्मक ज्ञान के चार अवस्थाएं बताए हैं, जिसमें पहला है संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था जिसे सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, इसका समय जो होता है 0 से लेकर 2 ईयर तक होता है, बच्चे के जन्म से लेकर 2 साल तक होता है। इस अवस्था में बालक जो है ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखता है। ज्ञानेंद्रियों से मतलब है जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उसी ज्ञानेंद्रियों द्वारा बालक सीखता है और उसी के अनुपात में वो जो है रिएक्ट करता है। जैसा उन्हें वातावरण मिलेगा उसी के अनुरूप वो रिएक्ट करेगा। क्लियर समझ आ रहा है? तो ये पहला स्टेज था संवेदी पेशीय अवस्था। इसको भी हमने डिस्क्रिप्शन में लिखाया है, कल का वीडियो देख लोगे, ग्रुप में भी मैंने डाल दिया है, उनको देख लीजिएगा। दूसरा आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्याजे ने जो दूसरी अवस्था बताया है वह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यहां से आज लिखना, आज का क्लास यहां से शुरू होगा। दूसरा अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यही अवस्था एग्जाम में पूछ लेता है, याद रखना। प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब देखिए प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होता। पहला तो आपने सेंसरी मोटर स्टेज पढ़ा, जो 0 से 2 साल चलता है। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज प्याजे का है, इसकी अवस्था है 2 साल से लेकर 7 साल। 2 से 7 साल तक प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है 2 साल से 7 साल तक होता है। इस अवस्था के भी 2 अवस्थाएं हैं। इसे भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 भागों में बांटे गए। अभी भाग लेना, पूर्व और उत्तर संप्रियात्मक अवस्था, प्री कंसेप्शनल पीरियड और इंटरेक्टिव कंसेप्शनल पीरियड, इसे भी 2 भागों में बांटा है। जो संक्रियात्मक अवस्था है इसे भी 2 भागों, अगर एक अवस्था में भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कभी डेप्थ में सवाल पूछ लिया तो आपको 2 याद रखना है। पहला का है पूर्व संप्रियात्मक अवस्था, पहला क्या है पूर्व संप्रयात्मक अवस्था। पहले भाग को कहते हैं पूर्व संप्रियात्मक अवस्था, इंग्लिश में कहते हैं प्री कॉन्सेप्शनल पीरियड, प्री कॉन्सेप्शनल CONCEPTIONAL CONCEPTIONAL प्री कॉन्सेप्शनल पीरियड पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका समय होता है 2 से लेकर 4 साल। 2 से लेकर 4 साल तक 2 भागों में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को हमने बांटा। पूर्व संप्रियात्मक अवस्था
और दूसरे को कहते हैं अंतरदेशी अवस्था। अंतरदेशी अवस्था, अंतरदेशी अवस्था, हिंदी वर्ड अलग भी आ सकता है लेकिन इंग्लिश वर्ड इंटरैक्टिव, INTURITIVE, इंटरैक्टिव पीरियड, INTE, लिखिएगा INTURITIVE, इंटरैक्टिव पीरियड, इसका समय होता है 4 से 7 साल, 4 से 7 साल, ठीक है। अगर ये अलग अलग नहीं देता है तो ये पूरा जो है 2 से 7 साल जो आ जाएगा ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज में आएगा। अब पहले में लिखिएगा पूर्व संप्रियात्मक अवस्था में, पूर्व संप्रियात्मक अवस्था में लिखिएगा क्या क्या होता है, इस पर हेडिंग बनाइएगा पूर्व संप्रियात्मक अवस्था जो 2 से 4 साल तक होता है। पहला पॉइंट लिखिएगा इस अवस्था में मतलब 2 से 4 साल की अवस्था में, इस अवस्था में बालक आसपास की वस्तु और प्राणियों, इस अवस्था में बालक आसपास के वस्तु और प्राणियों में संबंध स्थापित करना शुरू कर देता है। आसपास के वस्तु और प्राणियों से संबंध स्थापित करना शुरू कर देता है। जो छोटे बालक 2 से 4 साल के होते हैं वो आसपास के वस्तु से संपर्क स्थापित करना शुरू कर देते हैं, संपर्क स्थापित करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे वो तुतला के बोलना भी शुरू कर देते हैं, यानी बोलने की यानी शब्दों से भी संबंध स्थापित करना शुरू कर देते हैं, यानी कि आसपास के वस्तुओं और प्राणियों से संबंध स्थापित करते हैं, साथ ही शब्दों से भी संबंध स्थापित करना शुरू कर देते हैं, मतलब शब्द भी बोलना शुरू कर देते हैं, शब्द भी बोलना शुरू कर। इस अवस्था में बालक अनुकरण एवं खेल के द्वारा सीखते हैं, किसी चीज का अनुकरण करके सीखते हैं और खेल के द्वारा सीखते हैं। जैसे इस अवस्था में आपने देखा होगा कि वो अगर उनके मम्मी को आसपास के लोग भाभी बोलते हैं तो वो बच्चे भी अपने माँ को भाभी बोलना शुरू कर देते हैं, अगर दीदी बोलते हैं तो दीदी बोलना शुरू करते हैं, अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। साथ ही इस अवस्था में बालक खेल के द्वारा भी सीखते हैं, खेल खेल में भी वो सीखते हैं। अनुकरण और खेल के द्वारा भी सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि 4 वर्ष तक के बच्चे, 4 वर्ष तक के बच्चे सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव प्राणियों के रूप में ही समझते हैं। 4 साल के बच्चे, प्याजे के अनुसार 4 साल तक के बच्चे जो है सभी निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव वस्तु ही समझते हैं, सभी निर्जीव वस्तु को भी सजीव वस्तु ही समझते हैं, सभी निर्जीव वस्तु को वह सजीव वस्तु ही समझते हैं। 4 साल के जो बालक होता है प्याजे के अनुसार कि वह सभी निर्जीव वस्तु को ही सजीव वस्तु ही समझते हैं। जैसे उनके पास कोई बच्चे छोटे छोटे खिलौना रखता है, उस खिलौनों को छीन लो जबकि वो निर्जीव है लेकिन वो रोना शुरू कर देगा, या जैसे सजीव में किसी वो देखता है कि किसी का शादी हो रहा है तो वो अपने खिलौने का भी शादी करवाता है, या बच्चे जैसे खाना बनाता है तो बच्चे भी अपने खाना बनाने लगती है छोटे छोटे खिलौने के साथ खेलती है, तो
उसमें वो सजीव रूप को भी देखते हैं। मतलब चार साल के बालक जो है निर्जीव वस्तु में भी सजीवता को समझते हैं, उनके लगता है कि ये सजीव ही है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इस आयु के बच्चे अपने विचार को सही मानते हैं कि जो वो बोल रहे हैं वो सही है। इस आयु के बच्चे अपने विचार को सही मानते हैं। इस आयु के बच्चे जो हैं अपने विचार को सही मानते हैं कि जो वो बोल रहे हैं वो सही है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इस अवस्था में बालक आत्म केंद्रित होते हैं। इस अवस्था में बालक आत्म केंद्रित होते हैं। आप उससे कुछ लेने के लिए लेने की कोशिश करो वो नहीं देगा, आत्म केंद्रित होते हैं। जैसे बालक दूध पी रहा है, वो आपको हो कि ये दूध उसको दे देंगे तो वो देना नहीं चाहेगा, क्योंकि इस अवस्था में बालक आत्म केंद्रित होते हैं और यह समझते हैं कि सारे दुनिया उसी के इर्द गिर्द है। इस अवस्था में बालक आत्म केंद्रित होते हैं और समझते हैं कि सारी दुनिया जो है उसी के आसपास केंद्रित है। सारी दुनिया उसी के आसपास केंद्रित है। तो इस अवस्था में जो बालक होते हैं वो आत्म केंद्रित होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा। प्याजे ने जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में दो भागों में बांटा, पहले हमने कहा प्री कंसेप्शनल पीरियड या प्री संप्रयात्मक अवस्था, दूसरा है अंतर्देशीय अवस्था। दूसरा हमने लिखाया अंतर्देशीय अवस्था, समय बताया 4 से 7 साल। अब 4 से 7 साल के बालक क्या करते हैं प्याजे के अनुसार? 4 से 7 साल के बालक, दूसरे पार्ट में लिखिएगा अंतर्देशीय अवस्था में। अब लिखिएगा, हेडिंग बनाइएगा अंतर्देशीय अवस्था। इस अंतर्देशीय अवस्था में लिखिएगा, इस अंतर्देशीय अवस्था में लिखिएगा, इस दौरान बच्चे भाषा सीखते हैं। इस दौरान जो बच्चे हैं वो भाषा सीखते हैं। इस दौरान सेकेंड अवस्था में जो 4 से 7 साल की होती है, इस अवस्था में बच्चे भाषा सीखते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं। इस दौरान चिंतन और तर्क करने लगते हैं। 4 से 7 साल के बच्चे जो हैं चिंतन और तर्क करने लगते हैं, चिंतन और तर्क करने लगते हैं, लेकिन इस चिंतन और तर्क में कोई क्रमबद्धता नहीं होती है। चिंतन और तर्क करते हैं लेकिन इस चिंतन और तर्क में कोई क्रमबद्धता नहीं, लेकिन चिंतन और तर्क में कोई क्रमबद्धता नहीं होती है। चिंतन और तर्क में कोई क्रमबद्धता नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, 6 साल के आयु तक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, 6 साल के आयु तक बच्चों में मूर्त प्रत्यय के साथ साथ अमूर्त प्रत्यय का भी निर्माण होने लगता है। 6 साल के आयु तक बच्चों में मूर्त प्रत्यय के साथ साथ अमूर्त प्रत्यय का भी निर्माण होने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कोई मुझे बताओ? मूर्त प्रत्यय के साथ साथ अमूर्त प्रत्यय का निर्माण भी होने लगता है। मूर्त से अमूर्त में जाना, यानी मूर्त जो होता है प्रत्यक्ष रूप में, और अमूर्त जो होता है जिस चीज को हमने पहले देखा है वो जल्पियों में रह जाना। तो जैसे एक रिक्शे वाले को हमने देखा, या बच्चा जो है कोई खिलौना देखता है, वो खिलौना उसको प्रत्यक्ष रूप में, फिर इसके बाद अगर उसको वो सामने नहीं दिखाई देता तो हेलो खिलौने की जो है वो मांग जो है वो अप्रत्यक्ष रूप में वो चीजों को समझाने के रूप में वो बताता है कि मुझे ये खिलौना चाहिए था जो मेरा खिलौना है। नहीं, इसको इस रूप में समझिए। सही है, आप भी देखिए कि मूर्त के साथ साथ अमूर्त का निर्माण करने लगता है। जैसे एक छोटे 1-2 साल के बालक का खिलौना ले लो, थोड़ी देर बाद वो भूल जाएगा,
कि मूर्त रूप में आपने लिया है। लेकिन जब जो जब 6 साल का बालक होता है, ऐसे उसके मूर्त के शासक अमूर्त का भी निर्माण होने लगता है। मतलब कि कोई चीज आपने लिया है वो पकड़ लेगा कि नहीं, आपने लिया है आपने उधर रख दिया है, यानी कि उस अमूर्त का भी ध्यान होता है। कोई चीज आपने खिलौना उससे लेके रख दिया तो 6 साल के बालक में यह निर्माण होने लगता है, आप वो चीज को आपने ले लिया है, आप उनका दो, उनको अब याद रहने लगता है कि आपने कल मेरा खिलौना ले लिया था। नहीं तो कम एज के 3-4 साल के बालक का खिलौना ले लो, थोड़ी देर बाद वो भूल जाएगा, थोड़ी देर बाद वो भूल जाएगा कि खिलौना। जैसे छोटे छोटे बालक को आपने देखा होगा कहीं भी खेलता, आप सबके घर में छोटे छोटे बालक है, आपको पता होगा कि वो 1-2 साल के बालक वो भूल जाते हैं कहाँ रखा है। लेकिन जब 6-7 साल के बालक होते हैं, अब उन्हें याद है कि ये खिलौना तुमने लिया था, ये खिलौना हमें लिया था। तो मूर्त और अमूर्त का निर्माण अब होने लगता है। क्लियर समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इस अवस्था में बालक रटकर अधिक सीखते हैं। इस अवस्था में बालक रटकर अधिक सीखते हैं। रटकर अधिक सीखते हैं। इस अवस्था में बालक रटकर अधिक सीखते हैं। वह यह सीख जाते हैं कि 2 2 और 2 4 होते हैं। वो यह सीख जाते हैं रटकर 2 और 2 4 होते हैं। लेकिन ये उन्हें पता नहीं होता अभी कि 2 और 2 4 कैसे हुआ। रट के सीखते हैं। जैसे बालक, छोटे बालक को 5-6 अवस्था में पहरा याद करा दो, लेकिन उसे लिखने के लिए बोलो तो बहुत लिख नहीं पाएंगे। इस अवस्था में बालक रटकर ज्यादा सीखते हैं, यानी कि अभी उनमें यह समझ विकसित नहीं होती है कि 2 और 2 4 कैसे हुआ या 5 और 5 10 कैसे हुआ। उन्हें पता है 5 5 10 है, लेकिन कैसे हुआ ये पता नहीं, यानी रटकर अधिक सीखते। हाँ, रट कर अधिक सीखता, इसलिए ध्यान रखना। प्याजे ऐसी नहीं है, प्रक्रिया नहीं समझ पाते। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण है, देखो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है, आप सबके घर में छोटे छोटे बालक है, 4 साल 5 साल 7 साल, किसी के घर में 10 साल, आप उनसे उनको महसूस कर सकते हो। देखो साइकोलॉजी एक माँ को भी पढ़ना चाहिए, जिससे आप अपने बच्चे, चाहे एग्जाम आप दे या ना दे, आपको पढ़ना चाहिए कि आप आने वाले जनरेशन को या अपने बच्चे के फीलिंग को समझ सके। जब तक आप साइकोलॉजी नहीं पढ़ोगे, बहुत सारे चीजों में, छोटी छोटी चीजों में थप्पड़ मार देते हैं, गुस्से कर देते हैं, उनकी फीलिंग हम नहीं समझते। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इस अवस्था में वह धीरे धीरे प्रतीकों को ग्रहण करने लगते हैं, सिंबल को ग्रहण करने लगते हैं। इस अवस्था में जो 4 से 7 साल की अवस्था है, 6 साल की अवस्था है, इस अवस्था में वह सिंबल को समझने लगते हैं। जैसे सिंबल क्या है कि एक छोटा बालक है, आपने उसे सेब का फोटो दिखा दो, दिखाओ कहेगा ये सेब है। आम का दिखाओ ये कहेगा आम है, या फिर किसी संतरा का दिखाओ वो कहेगा संतरा है। तो इस अवस्था में जो 4 से 7 साल की अवस्था में, इस अवस्था में बालक किसी सिंबल को समझ सकता है, समझने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इस अवस्था में बालक सिंबल्स को समझने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इस अवस्था में बालक कार्य कारण संबंध के प्रति अनभिज्ञ होता है। इस अवस्था में बालक कारण कार्य के प्रति अनभिज्ञ होता है। कारण कार्य के प्रति अनभिज्ञ। अब कारण कार्य क्या है? कार्य अपने कारण, कारणता सिद्धांत कहता है कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान होता है। कारण कार्य सिद्धांत से अनभिज्ञ। उन्हें पता नहीं है कि ये काम करेंगे तो इसका प्रभाव क्या करेगा, थप्पड़ पड़ने वाला है। वो कारण कार्य से अनभिज्ञ है, उसे पता नहीं है कि वो हाथ उठा करके कोई चीज गिरा देगा तो मम्मी आके 2 थप्पड़ मारेगा। वो अनभिज्ञ है इसलिए कर रहा है, उन्हें नहीं पता है। आप समझिए, आपके बालक 4 से 7 साल के बीच का है, वो उनको जो चीज समझता है घींच लेता है,
या उनके चीज जो भी जो टीवी दो, नजदीक टीवी है तो टीवी से खेलने लगेगा, गिरा दे, उनका कारण पता नहीं कि टीवी गिरेगा तो टूट जाएगा, इसके प्रति वो अनभिज्ञ होता है। लेकिन माँ को तो पता नहीं कि अभी उनको ये चीज का विकास है, दे थप्पड़ लगाते रहता है, किसी टेबल पे चढ़ के वो चढ़ने की कोशिश करता है, गिर जाता है, क्योंकि उनको कारण कार्य संबंध पता नहीं कि ये करेंगे तो क्या होगा, ये करेंगे तो क्या नहीं होगा। इसी कारण जो है पंखे में हाथ डाल देता, उन्हें पता ही नहीं है उसका प्रभाव क्या होगा, क्योंकि कारण कार्य संबंध ही नहीं पता है उन्हें कि ये कार्य करने से ये चीज हो जाएगा। हमें ना पता है ये काम करेंगे तो गड़बड़ होगा, उन्हें नहीं पता है, उन्हें तो बस अपने मस्ती में रहना है। तो ये चीज हमें समझना चाहिए एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर। इसीलिए साइकोलॉजी पढ़ाया जाता है कि आप टीचर पर बनोगे तो इन चीजों में छोटे छोटे बच्चों के बारे में आप जानो। एक कोई बोलो, एक दोनों बोलोगे समझ नहीं आएगा। तनिषा आप बोलिए। ट्विंस है तो एक ने क्या किया, प्रेस को गर्म करके दूसरे के पैर पर टिका दिया, उसको यही नहीं पता कि इसे जल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे कि उनको कारण कार्य संबंध पता नहीं है। अब प्रेस है, वो भाई है, अभी देखता हूँ छत पे हमारे बच्चे खेलते हैं, दोनों भाई बहन है, पांच छह साल के, एक दूसरे को धकेल देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि इनका प्रभाव क्या होगा। तो हमें उन चीजों के प्रति अलर्ट रहना। वो तो बच्चे जा रहे थे, अब वो पंखे से उसको तार पता होता है जिसमें करंट है, उसको क्यों पकड़ेगा? बिल्कुल, वो सबसे बड़ा उदाहरण है कि हर चीज में इतना मार दी। हाँ, तो इसीलिए देखो साइकोलॉजी कहा जाता है, वेस्टर्न में हर पेरेंट्स को साइकोलॉजी पढ़ाया जाता है। अगर आप वेस्टर्न में रहते, आप कंपटीशन दे या ना दे, आपको साइकोलॉजी की क्लास होती बच्चा पैदा करने से पहले। ऐसे नहीं कि 10-10, 20-20 पैदा कर दो, कुछ पता ही ना हो रहा भैया। तो वो पहले बताया जाता है कि आपको इन इन चीजों को ध्यान रखना, इस अवस्था में बच्चे का ये चेंज होगा, ये चीज पे हमें अलर्ट रहना है, हमें इन चीजों को ध्यान रखना कि उन्हें कारण कार्य संबंध का पता नहीं है, वो गड़बड़ करेगा, आपको ध्यान में रखना है। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो वो कुछ गड़बड़ हो सकता है। क्लियर है? अंतिम पॉइंट लिखिएगा, मानसिक रूप से अपरिपक्व होने के कारण, मानसिक रूप से अपरिपक्व होने के कारण, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मानसिक रूप से अपरिपक्व होने के कारण इस दौरान, मानसिक रूप से अपरिपक्व होने के कारण वे समस्या समाधान के दौरान समस्या के केवल एक ही पक्ष पर केंद्रित हो पाता है। मानसिक रूप से अपरिपक्व होने के कारण समस्या समाधान के केवल एक ही पक्ष पर वो केंद्रित हो पाता है। समस्या समाधान के एक ही पक्ष पर वो केंद्रित हो पाता है, एक ही पक्ष पर वो केंद्रित होता है। जैसे वो अपनी गलती में कहेगा, मम्मी उसने मारा, अब वो भी मारेगा, उनका एक ही पक्ष मजबूत होता है, दूसरा पक्ष मजबूत नहीं होता। चूंकि मानसिक रूप से अपरिपक्व होता है तो उनका एक ही पक्ष केंद्रित होता है, एक ही पक्ष। वो एक पक्ष क्या है कि अगर उसने किसी को कह दिया तो बदले में जाके धकेल देगा, उसका परिणाम कुछ भी हो, दूसरा पक्ष वो सोचता नहीं है, उनका एक ही पक्ष केंद्रित होता है। जैसे दो भाई बहन है, ठीक है, ट्विंस हो, जैसे कि तनिषा जी ने बताया, या वो अब दोनों में झगड़ा हो गया, 6-7 साल का बालक है, अब एक बालक ने कुछ कहा, दोनों बालक के एक एक पक्ष ही मजबूत है, अब उन्होंने कहा कि ये चीज किया तो बदले में उन्हें धकेल देगा, जितना उनके पास जो चीज हाथ में आएगा उससे मार देगा। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि उनका मानसिक पक्ष के अभी एक ही तत्व मजबूत हो रहे होते हैं। अब एक ही तत्व जब मजबूत है तो अब दूसरे तत्व की कल्पना कैसे कर सकते हैं कि वो ये भी सोचे कि अगर हम जोर से ठेलेंगे तो उनको चोट लग जाएगा, उनको दर्द होगा, वो भी मेरे भाई है, वो भी मेरे बहन है, अभी तो वो पक्ष उसका मजबूत ही नहीं हुआ, तो फिर वो पक्ष पे वो कैसे काम करेगा। इन चीजों को हमें 4-7 साल के बालक, जितना भी चीजें हमने बताया हो, अलर्ट होके समझिएगा, ये एग्जाम में तो काम आएगा ही, आपके घर में भी काम आएंगे।
हमको लगता है इस एज का बालक में मतलब ज्ञान नहीं होता है कि खतरा जगह में जाएंगे तो हम जैसे कुएं पे हम चलेंगे तो गिरेंगे तो डूब जाएंगे। बिल्कुल, हमने पहले ही उसी इसीलिए तो मैंने शुरू में ही हमने बता दिया कि इस अवस्था के बालक को कार्य कारण संबंध का पता नहीं होता है। उसी कार्य कारण संबंध मतलब क्या करेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा यही पता नहीं है। तो फिर तो वो जब कार्य कारण ही संबंध पता नहीं है, अब आपको पता ही नहीं कि रेलवे के ट्रैक पर जाएंगे तो रेल आएगा आपको कुचल देगा। जब आप कॉन्शियस ही इसके प्रति नहीं है, जैसे जो पागल होते हैं बड़े होने के बाद उन्हें पता ही नहीं होता कि उनमें भी कार्य कारण संबंध खत्म हो जाता है, क्या करेंगे तो क्या होगा। तो आपने देखेगा रोड के बीचों बीच वो चलने लगता है, कुछ भी बड़बड़ाने लगता है, क्योंकि वो सेंस उनका खत्म हो जाता है। ये सब कॉग्निटिव थ्योरी है, ये पियाजे का कॉग्निटिव थ्योरी सारे है, इसी को उन्होंने चार भागों में बांट कर देखा है। तो अभी हमने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में दो भाग में बांटा, दो से चार साल और चार से सात साल। अब तीसरी अवस्था आते हैं, पियाजे ने चार अवस्था की बात की थी, तीसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था लिखिएगा अस्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अस्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इंग्लिश में कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, CONCRETE, कंक्रीट ऑपरेशनल OPERATION, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या पीरियड, जो मन हो सो का कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसका समय पियाजे ने 7 से 11 वर्ष बताया है, इसका समय 7 से 11 वर्ष माना है। अब ये अवस्था क्या होता है, ये अवस्था क्या होता है, पहला लिखिए इस अवस्था में बच्चे व्यवहारिक और यथार्थवादी होने लगते हैं। 7 से 11 साल के बच्चे जो व्यवहारिक और यथार्थवादी होने लगते हैं, इस अवस्था में बालक व्यवहारिक और यथार्थवादी होने लगते हैं, इस अवस्था में बालक व्यवहारिक और यथार्थवादी होने लगते हैं। दूसरा, बच्चे में तर्क एवं समस्या समाधान की क्षमता विकसित होने लगती है, बच्चे में तर्क और समस्या समाधान की क्षमता विकसित होने लगती है, बच्चे में तर्क और समस्या समाधान की क्षमता विकसित होने लगती है, बच्चे में तर्क एवं समस्या समाधान की क्षमता विकसित होने लगती है, डेवलप्ड होने लगती है, बच्चे में तर्क और समस्या समाधान की क्षमता विकसित होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट, इस अवस्था में बच्चों में तर्क एवं समस्या समाधान की क्षमता विकसित होने लगती है, कि अब बच्चे जो है तर्क करने लगते हैं और समस्या का समाधान भी करने का प्रयास करने लगते हैं, विकसित होने लगते हैं, धीरे धीरे उनमें तर्क की क्षमता भी बढ़ने लगता है, तर्क और समस्या समाधान की क्षमता विकसित होने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इस अवस्था में बालक मूर्त समस्याओं का समाधान ढूंढने लगते हैं, इस अवस्था में बालक मूर्त समस्या, मूर्त इसीलिए मूर्त स्टेज का, इस अवस्था में बालक मूर्त समस्याओं का समाधान ढूंढने लगते हैं, कॉन्क्रीट समस्याओं का समाधान ढूंढने लगते हैं, परंतु अमूर्त समस्याओं के बारे में अभी सोच नहीं पाते हैं। मूर्त समस्याओं का तो समाधान ढूंढने लगते हैं,
परंतु अभी भी अमूर्त समस्याओं के बारे में सोच नहीं पाते। मूर्त समस्याओं के बारे में समस्या का समाधान ढूंढने लगते हैं, परंतु अमूर्त समस्याओं के बारे में समझ विकसित नहीं होती है। हाँ, जैसे कि मूर्त समस्याओं का समाधान ढूंढने लगते हैं, जैसे कि कोई वस्तु है उसको वो खोल देगा इस अवस्था में, फिर उसको जोड़ना कैसे है इसका वो समाधान ढूंढने लगता है, वो जोड़ने का भी प्रयास करने लगता है, यद्यपि हो सकता है वो जोड़ दे नहीं दे। जैसे आपने देखा होगा कि इस अवस्था में बालक क्या करता है, जैसे आपके यहाँ कोई चीज है रखा हुआ, कोई मशीन है, ठीक है, वो मशीन को खोलेगा फिर जोड़ने का प्रयास करेगा। जैसे मुझे याद है कि बच्चे में हमारे पास एक फिलिप्स का रेडियो होता था, वो रेडियो को ना खोल देते थे, और वो बात अलग था कि फिर उसको जोड़ना नहीं आता था, उसको बंद करने का प्रयास करते थे लेकिन बंद नहीं होता था, टीवी को खोलने लगते थे। तो मतलब कि मूर्त समस्याओं का समाधान ढूंढने लगते हैं। कोई मूर्त समस्या है, अब मान लिया कि समाधान ढूंढने लगा कि मम्मी ने कोई चीज बोल तो अब ये चीज काम नहीं करना है हमें, ये चीज ढूंढने लगता है वो, उनमें ये विकास होने लगता है बालक में, नहीं मम्मी से डरने लगती है, ठीक है। जैसे टच फोन है उसमें भी वो कुछ से कुछ करने लगता है, वो तो बहुत कुछ सीख जाता है, 7-8 साल के बालक जो दिन भर गेम खेलते रहे कोई चीज नहीं ओपन हो रहा है, जैसे आपने कीपैड लॉक करके दे दिया, पैटर्न लॉक करके दे दिया, अब वो समाधान ढूंढ लेता है कि आपको एक बार अगर देख लेगा ना आपने कीबोर्ड ऐसे ऐसे किया है, बहुत बच्चे दिमाग के बड़े तेज होते हैं, वो खोज लेता है समाधान। बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो एक बार देख लेगा ना समझ जाएगा कि मम्मी ने ऐसे किया था कर दो। अब तो खैर छोटे बच्चे में भी और डेवलपमेंट हो रहा है, परंतु अमूर्त समस्याओं का समाधान वो अभी नहीं कर पाता है, ठीक। अमूर्त समस्या जो अमूर्त है, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, उनके बारे में वो अभी ज्यादा नहीं सोचता है, जो सामने नहीं है उनके बारे में वो नहीं सोचता। क्लियर है सर? हाँ मेघना, इसमें आपने जैसे बताया कि जो इससे थोड़े से पहली स्टेज हमने देखी कि कार्य कारणों का संबंध वो नहीं जान पाता कि ऐसा मैंने है, वो सिर्फ अपनी गलतियां करता जाता है, उसको ये नहीं पता कि मुझे डांट पड़ेगी या कब नहीं पड़ेगी। जैसे बच्चे ने कोई गलती की तो मम्मा ने उसको डांटा कि बेटा आपने ऐसा क्यों करा, वो जिद्दी ऐसा होता जाएगा मतलब की। लेकिन अब इसी स्टेज के अगर हम उसी से एग्जांपल उठाएं, अब उसमें कार्य कारणों के बारे में थोड़ी समझ आने लगी है, बिल्कुल कि अब पहले वो काम करता था तो मम्मा मारा उसको कुछ नहीं पता था, अब वो पता लग जाएगा कि अगर मैंने बेड से कुछ पानी गिरा दिया, बेड पे पानी गिरा भी दिया तो मम्मा मेरे को मारेंगे, इसलिए मारेंगे क्योंकि मैंने कुछ गलत काम किया है, तो नेक्स्ट टाइम वो काम नहीं करेगा। इस स्टेज पर आके वो थोड़ा सा उसमें मैच्योरिटी आ जाएगी, जो मैच्योरिटी उसमें पहले नहीं थी वो थोड़ी मैच्योरिटी आ जाएगी उसमें, मतलब कि इसमें अब वो मतलब कि उसमें ये भावना विकसित हो जाएगी कि भी मैं ये काम कर सकता हूँ, और दूसरी बात ये भी उसमें आ जाएगी हाँ अब मैं ये काम कर सकता हूँ, ऐसी भावना भी उसमें आ जाएगी, और इसमें मोटर डेवलपमेंट भी तेजी से मतलब कि होएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम लोग उसी चीज को देख रहे हैं कि जैसे कि पीछे आपने देखा, अंतर करके भी आप पढ़ सकते हो, पीछे आपने देखा कि ये बालक को पता तो होता है 2 और 2 4 होता है, ये 2 और 2 4 कैसे होता है ये पता नहीं होता, लेकिन इस अवस्था में बालक को संख्या का पर्याप्त बोध हो जाता है। लेकिन इस अवस्था में आप लिख सकते हो कि इस अवस्था में जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, इस अवस्था में बच्चों को संख्या का पर्याप्त ज्ञान हो जाता है, अब वो ये समझ जाता है कि 2 और 2 कैसे हुआ है, अब ये समझ जाता है 2 और 2 कैसे हुआ, साथ ही वो गणित को वो पढ़ने लगता है और वस्तुओं को भी गिनना शुरू कर देता है, कोई वस्तुओं को भी काउंट कर लेता है, गिन लेता है। इस अवस्था में बालक समझने लगता है, जैसे कम उम्र के बालक को नहीं समझ आएगा 500 का नोट 2 और 2000 का नोट 2, उन्हें ज्यादा पता नहीं चलता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। जी सर, हाँ। और वैसे सर कुछ सामान दे दो, खिलौने दे दो तो काउंट कर लेता है। हाँ, इस अवस्था में बालक जो है काउंटिंग सीख जाता है। क्लियर है? इस अवस्था में बच्चों को, अब देखो पहले बच्चे कोई चीज को क्रम में नहीं लगा पाता था,
पहले स्टेज में कोई बच्चे को कर्म से नहीं लगा पाता था, लेकिन इस अवस्था में बालक किसी वस्तुओं को कर्म से व्यवस्थित करने की क्षमता आ जाती है। इस अवस्था में बालक को किसी चीजों को क्रम से व्यवस्थित करने की क्षमता आ जाती है, किसी चीजों को क्रम से व्यवस्थित करने की क्षमता आ जाती है, किसी चीजों को क्रम से व्यवस्थित करने की क्षमता आ जाती है, व्यवस्थित करने की क्षमता आ जाती है। साथ ही इस अवस्था में बालक विभिन्न वस्तुओं के दृष्टिकोणों के अंतर को भी समझने लगता है, विभिन्न वस्तुओं के दृष्टिकोणों के अंतर को भी समझने लगता है, विभिन्न वस्तुओं के अंतर को भी समझने लगता है। जैसे कोई वस्तु मीठी वस्तु है, कोई खट्टी वस्तु है, कोई कड़वी वस्तु है, इनको वो समझने लगता है कि कौन खट्टी पदार्थ है, कौन मीठी पदार्थ है, कौन कड़वी पदार्थ है, यहां क्लियर समझने लगता है इस अवस्था में, समझने लगता है। साथ ही इस अवस्था में बालक अच्छी प्रकार से जो है संबंधों को भी समझने लगता है, वो समझने लगता है अच्छे से कि ये मेरे माँ है, ये मेरे चाचा है, ये मेरे दादा है, ये मेरे बाबा है, ये संबंध को समझने लगता है। पहले भी वो दादा मामा बोलता है, लेकिन संबंधों में क्या फर्क है ये नहीं समझता, लेकिन 7 से 11 की जो अवस्था, इसमें संबंधों के फर्क और संबंधों को भी अच्छी तरीके से वो समझने लगता है, संबंधों को भी अच्छे तरीके से समझने, क्लियर है। तो ये हमारा हो गया स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बालक का अंतिम फेज है औपचारिक संक्रिया की अवस्था। ये क्लास लगभग 1 घंटे की है, लेकिन 15-20 मिनट तो ज्यादा चला ही जाता है। मंडे टू फ्राइडे ये क्लास जो है 1.25 घंटे की रहेगी, 1.5 घंटे मान लो, 1.5 घंटे अधिक से अधिक 1:20 तक, 1 घंटा 20 मिनट तक। और सैटरडे और संडे ये क्लास पूरी कंटिन्यू क्लास है जब तक खत्म ना हो जाए। सैटरडे और संडे 2 से 2.5 घंटे की क्लास होगी, और सैटरडे संडे अभी तो 11 से 12 है टाइम, सैटरडे संडे को हमारा टाइम जो होता है वो 8 से 10, 10:30 तक होगा, क्योंकि सैटरडे संडे अदर बैच हमारा बंद होता है, जो हमारा सीटेट का मॉर्निंग बैच चल रहा है जिसमें जीके चल रहा है, ज्योग्राफी चल रहा है, तो वो बैच हमारा मंडे टू फ्राइडे चलता है, जनरल स्टडीज़ का बैच, तो वो बैच के 5 दिन वो बैच चलता है मंडे टू फ्राइडे, और उसी के जगह पर सैटरडे संडे ये 2 दिन चलता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। सर मॉर्निंग में सीटेट कब चल रही है बैच? वो जीके चलता है, जीके पूरा है, वो 8 बजे चलता है, 8 बजे से 10 बजे, ठीक। तो उस कारण से ये शिफ्ट नहीं हो पाता है। तो ये जो हमारा साइकोलॉजी चलेगा तब तक चलेगा जब तक कि वाइंड अप ना हो, कोई छुट्टी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का पेपर भी है और नहीं भी पेपर है तब भी। इस बैच में अब जीके अभी नहीं होगा, जीके जो है बाद में होगा, जब फिर से हम बैच शुरू करेंगे जो DSSB का जो नया बैच होगा, इसमें सिर्फ साइकोलॉजी होगा, क्योंकि अभी किसी बच्चे का पेपर है नहीं। जो नया TGT PGT आएगा तो फिर नया बैच शुरू होगा, तो इसमें करेंगे, इसमें सिर्फ साइकोलॉजी होगा, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। चौथा है औपचारिक संक्रिया की अवस्था, चौथा है औपचारिक संक्रिया की अवस्था, चौथा है औपचारिक संक्रिया की अवस्था, ठीक है। इसे कहते हैं स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। अब चौथा अवस्था क्या है समझिएगा,
बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो फिक्स ही रहता है, एग्जाम कोई भी हो इनको समझना बहुत जरूरी है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पियाजे ने इस अवस्था को कॉग्निटिव थ्योरी की अंतिम अवस्था कहा है। पियाजे ने इसे संज्ञानात्मक विकास का अंतिम अवस्था कहा है, संज्ञानात्मक विकास का अंतिम अवस्था कहा है, जो 11 वर्ष से लेके किशोरा अवस्था तक चलते रहता है। मतलब कि जो है 11 से लेके, ये 11 तक है तो 12 से लेकर किशोरा अवस्था मतलब समझ लो 18 वर्ष तक चलते रहता है। ये कॉग्निटिव थ्योरी की अंतिम अवस्था है। अब इस अवस्था में क्या होता है, पहला पॉइंट लिखिएगा, 12 वर्ष तक पहुंचते बच्चों का मस्तिष्क परिपक्व होने लगता है। 12 वर्ष तक पहुंचते बच्चों का जो मस्तिष्क है वो परिपक्व होने लगता है। 12 वर्ष तक पहुंचते बच्चों का मस्तिष्क परिपक्व होने लगता है, उनके चिंतन में क्रमबद्धता आने लगती है, उनके चिंतन में क्रमबद्धता आने लगती है, वो एक एक करके चिंतन करता है, उनके चिंतन में क्रमबद्धता आने लगती है, चिंतन में क्रमबद्धता आने लगती है, आयु के बढ़ने के साथ साथ बच्चों के अनुभव भी बढ़ने लगते हैं, आयु बढ़ने के साथ साथ बच्चों के अनुभव भी बढ़ने लगते हैं और समस्या समाधान की क्षमता भी बढ़ जाती है। आयु के बढ़ने के साथ साथ बच्चों के जो है अनुभव भी बढ़ते हैं और समस्या समाधान की क्षमता भी बढ़ जाती है, समस्या समाधान के जो है क्षमता भी बढ़ जाते हैं, समस्या समाधान की क्षमता भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, इस अवधि में बच्चे प्रतीकात्मक शब्दों का अर्थ भी समझने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चे प्रतीकात्मक शब्दों के अर्थ भी समझने लगते हैं कि कौन कौन प्रतीकात्मक शब्द है, उनके क्या अर्थ है, तो प्रतीकात्मक शब्दों के अर्थ भी समझने लगते हैं, प्रतीकात्मक शब्दों के अर्थ भी समझने लगते हैं, प्रतीकात्मक शब्दों के अर्थ भी समझने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, इस अवस्था में बालक किसी वस्तु के बारे में चिंतन मनन करना सीख लेता है। इस अवस्था में बालक किसी वस्तु के बारे में चिंतन मनन करना सीख लेता है, चिंतन मनन करना सीख लेता है। चिंतन मनन करना सीख लेता है। इस अवस्था में बालक किसी वस्तु के बारे में चिंतन मनन करना सीख लेता है। साथ ही बालकों में नई नई परिकल्पनाएं जन्म लेती है, साथ ही बालकों में नई नई परिकल्पनाएं जन्म लेती है और उन परिकल्पनाओं को सत्यापित करने का प्रयास करता है। इस अवस्था में बालकों में नई नई परिकल्पना जन्म लेती है और उन परिकल्पनाओं को सत्यापित करने का प्रयास करता है। नई नई परिकल्पनाएं जन्म लेती है, उन परिकल्पनाओं को साबित करने का प्रयास करता है और इस अवस्था में बालक अपोजिट सेक्स की ओर भी आकर्षित होता है। बहुत सारे शारीरिक बदलाव भी होता है, आगे पढ़ोगे इसमें बहुत सारे औरों ने भी इनका व्यू दिया है। इस अवस्था सर रिपीट कर दीजिए एक बार, उन परिकल्पनाओं को सत्यापित करने का प्रयास करता है, उन परिकल्पनाओं को सत्यापित करने का प्रयास करता है। मतलब कि उन्हें एक नया ख्वाब जन्म लेता है और उस ख्वाब को जो है वो पूरा करने का प्रयास करता है।
जी जान से प्रयास करता है। इसी अवस्था में कहा जाता है कि इस स्टेज में बच्चों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी होता है। इसी अवस्था में बालक बिगड़ भी सकते हैं, बालक सुधर भी सकते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बालक किसी चीज की ओर बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उनका हार्मोनल चेंज बहुत तीव्र गति से होता है। चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, लड़की का तो और तीव्र गति से होता है, लड़का का भी हार्मोनल तीव्र गति से होता है, अपोजिट सेक्स की ओर अट्रैक्शन बढ़ता है। और इस अवस्था में एक तरह से कहता है ना कि उनके अंदर जो जो परिकल्पनाएं जन्म, दोस्ती करेगा, दोस्तों के साथ ज्यादा रहना पसंद करता है। इसी अवस्था में बालकों को कोई चीज की लत बहुत जल्दी लगती है, जैसे कि उनके कोई दोस्त सिगरेट पी रहा है तो वो भी पीना शुरू कर देगा। और इस अवस्था में हर प्रकार, अगर उन्हें पॉजिटिव एनर्जी दोगे वो बहुत आगे बढ़ सकता है। इस अवस्था में प्याजे कहते हैं, अगर क्लिप किसी बालक को पॉजिटिव एनर्जी दी जाए तो वो बहुत आगे निकल सकता है। अगर उसे इस अवस्था में नेगेटिव एनर्जी मिल गई, सही दिशा नहीं मिला, तो वो बिगड़ भी सकते हैं। इसीलिए इस अवस्था में चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे माँ हो, बाप हो, बच्चों के नजदीक होना चाहिए, उनसे हर बात बोलना चाहिए, शेयर करना चाहिए, उनके मन की भावनाओं को जानना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में बालक बड़े पोसेसिव होते हैं। कोई कोई बालक अगर कोई चीज नहीं कर पाते तो यहां तक कि वो सुसाइड करने को भी सोच लेते हैं। किसी चीज में असफलता मिलती है तो वो पूर्ण रूप से टूट जाते हैं। तो इन अवस्था में इन चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। उसमें काल्पनिक बातें जन्म लेती है, वो कल्पना का उड़ान उड़ाता है, बच्चों में काल्पनिक चीजें जन्म लेती है। वो कल्पना में सोचता, मुझे तो ये करना है, मुझे तो यहाँ जाना है, मुझे तो इनसे मिलना है, तो वो कल्पना, उनमें काल्पनिक चीजें बहुत जन्म लेती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस अवस्था में पेरेंट्स की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि उन पेरेंट्स को जो है, वो पेरेंट्स जो है बालक के हर चीजों पर ध्यान रखे, तभी बच्चों का विकास जो है, इसीलिए इसे कॉग्निटिव थ्योरी कहते हैं, संज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं। इसी तरह ये तो हमने विकास में पढ़ा कि विकास ने बच्चों के, प्याजे ने बच्चों के डेवलपमेंट की बात किस तरह की। इसी तरह एक ब्रूनर हुए हैं, इस बार DSSP में ब्रूनर के विकासात्मक सिद्धांत पूछा था, जो PGT मेल का पेपर हुआ था, उसमें पूछा था ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा। मुझे लगता है कि 99% बच्चे गलत मार के आए होंगे, क्योंकि वो समझता ही नहीं है कि ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या है। ब्रूनर बड़ा फेमस नाम है। ब्रूनर जो ब्रूनर थे, उन्होंने प्याजे के ही संज्ञानात्मक सिद्धांत को और उपयोगी बनाने के लिए उसमें परिवर्तन किए थे। जो ब्रूनर थे, जो प्याजे ने जो कॉग्निटिव थ्योरी दिया था, उसी संज्ञानात्मक सिद्धांत को परिवर्तन ला करके एक नया रूप दिया था। इसमें ब्रूनर ने दो बातों पर ध्यान दिया था कि जो कॉग्निटिव थ्योरी, जो प्याजे की जो कॉग्निटिव थ्योरी थी, इसमें ब्रूनर ने कुछ परिवर्तन लाया। उसमें ब्रूनर ने दो बातें कही। पहला, कहा कि बालक अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से किस प्रकार अभिव्यक्त करता है। पहले उन्होंने इनसे समझने का प्रयास किया कि एक बालक है, वह अपने मानसिक रूप से किसी वस्तु को किस प्रकार अभिव्यक्त करता है, वह अपने मानसिक रूप से किसी वस्तु को किस प्रकार समझता है, देखता है, उसे जानने का प्रयास करता है। या बालक अपने शैशव अवस्था में, बाल्य अवस्था में कोई भी मानसिक चिंतन किस तरह करता है, मानसिक चिंतन किस तरह करता है।
कि बालक जो है मानसिक अभिव्यक्ति मेंटल एक्सप्रेशन किस तरह करता है। यहां से भी क्वेश्चन की मेंटल एक्सप्रेशन की बात किसने की है, ब्रूनर ने। कॉग्निटिव थ्योरी में ब्रूनर ने कहा कि जो बालक है, जो शिशु है, वह अपनी मानसिक अनुभूतियों को, उनके मन के जो अनुभूति है उसे तीन प्रकार से व्यक्त करती है। ये कल पढ़ेंगे, पहले समझ लेते हैं कि ब्रूनर ने कहा कि जो मानसिक अनुभूति है उसे हम तीन प्रकार से व्यक्त करते हैं। जैसे दृश्य प्रतिमा विधि, कोई मतलब कि कोई दृश्य के माध्यम से, मतलब कि बालक अपनी अनुभूति को मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं बनाकर व्यक्त करते हैं। इस अवस्था में बालक जो है कोई चीज को प्रत्यक्ष माध्यम से भी सीखता है। मतलब कहता है कि दृश्य प्रतिमा विधि, उन्होंने कहा कि जो एक बालक है मानसिक रूप से तीन तरीके से अपनी बातों को व्यक्त करते हैं। एक तो दृश्य प्रतिमा विधि, उनके मन में जो है एक इमेज बनता है और उस इमेज के अनुरूप ही वो अपनी मानसिक अभिव्यक्त को व्यक्त करता है, या संकेत के माध्यम से, संकेत के माध्यम से। जैसे छोटे बालक है, बच्चे अपनी अनुभूतियों को बचपन में संकेत के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। जैसे एक छोटा बालक ज्यादा नहीं बोलता, अच्छा बेटा इस समय क्या लोगे, पांच चीज दे दो। बालक कहेगा तो एक तो उसके जो दृश्य प्रतिमा दिमाग में बनता है, दूसरा संकेत, और तीसरा प्रोनर ने कहा एक संक्रियात्मक विधि। अब संक्रियात्मक विधि क्या है, इसमें ब्रूनर ने कहा कि शिशु अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं द्वारा अभिव्यक्त करते हैं, इसे संक्रिया की अवस्था कहते हैं। जैसे भूख लगता है तो वो नहीं कहता मम्मी खाना दो, भूख लगता है तो बच्चे क्या करता है, रोने लगता है, हाथ पैर हिलाने लगता है, वस्तुओं को पकड़ने लगता है। तो ये संक्रिया, मतलब कि यहां शब्द का यूज नहीं करके वो एक्शन का यूज करता। तो यहां पर ब्रूनर ने मानसिक अभिव्यक्ति के तीन चरण बोले हैं, इसी को पूछा था कि कितने चरण बोले हैं। पहला दृश्य प्रतिमा विधि, संकेतिक विधि और संक्रियात्मक विधि। यह विधि जो था प्याजे के कॉग्निटिव थ्योरी में ही परिवर्तन था, साथ ही ब्रूनर की विधियों में गेस्टाल्ट थ्योरी, संज्ञानवाद और व्यवहारवाद का भी झलक मिलता है। हमने इनसाइट थ्योरी की बात बताया था पहले, इनसाइट थ्योरी जो गेस्टाल्ट की थ्योरी थी, बार बार पूछता है इनसाइट थ्योरी, जिसे हम सूझ सिद्धांत कहते हैं, इनसाइट थ्योरी से संबंधित थे कोहलर, नाम सुने हम कोहलर का, तो कोहलर हो गया। इसी तरह संज्ञानवाद, कॉग्निटिज्म प्याजे का, और व्यवहारवाद। व्यवहारवाद का जनक कौन था, कोई मुझे बताओ, मैंने बताया हुआ है पिछले क्लास में सर, वाटसन है व्यवहारवाद का। हाँ, वाटसन। तो उन सारे थ्योरी से ब्रूनर का सिद्धांत संबंधित था, ब्रूनर का सिद्धांत संबंधित था। तो हमने ब्रूनर के सिद्धांत को कल देखेंगे। ब्रूनर के साथ साथ हमने विकास में जो है एरिक्सन का सिद्धांत पढ़ेंगे, एरिक्सन का संवेगात्मक सिद्धांत बनेंगे। एरिक्सन भी बड़ा फेमस मनोवैज्ञानिक है, एरिक्सन, जॉन एरिक्सन, जिन्होंने आठ स्तरीय संवेग की बात की है, एरिक्सन को पढ़ेंगे। इसी तरह से एक और पढ़ेंगे, नैतिक नियम पढ़ेंगे कोलबर्ग का, प्याजे और कोलबर्ग नैतिक नियम के संबंध में क्या बोले हैं इनको पढ़ेंगे। कोलबर्ग के विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे, कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, तो पूछ लेता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, कोलबर्ग ने दिया है, इनको समझेंगे नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है। इन सब को पढ़ेंगे तब हमारा जो डेवलपमेंट का सेक्शन पूरा होगा। तब हम लोग दूसरा सेक्शन उठाएंगे, वो होगा हमारा अनुवांशिकता, अनुवांशिकता हेरिडिटरी,
अनुवांशिक गुणों का किस प्रकार प्रवाह होता है, अनुवांशिक गुणों में किन किन चीजों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो हमारा टॉपिक है कम से कम एक एक सेक्शन जो है हर दिन निकले, जिससे कि आपको समझ आ जाए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज प्याजे पूरा समझ आया होगा। कल मैं प्याजे की थ्योरी को पूछूंगा, चार स्टेज, फिर कल हम ब्रूनर और एरिक्सन पढ़ेंगे, तो उनकी थ्योरी को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इनको समझिए। और एक चीज़ मैं ज़रूर आप सबको बोलूँगा, क्लास सीरियस लीजिए। जो बच्चे क्लास नहीं लेंगे उनको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। और ये बिल्कुल मत समझना कि हमने फ्री कर दिया ये क्लास को तो ये बेकार क्लास है। मैं उसी क्लास मैं एकदम सीरियस बता रहा हूँ कि मैंने साइकोलॉजी सबको फ्री किया है। जीएस किसी का फ्री नहीं है, अदर कोई भी, नेट भी फ्री नहीं है, कुछ भी नहीं है फ्री। मेरा मन किया कि ये टॉपिक सबको जानना चाहिए तो हमारे तरफ से, लेकिन ये कोई मत समझना कि फ्री है तो टाइम पास करने के लिए ले रहे हैं। मैं बहुतों को देखता हूँ कि जब भी मैं कोई चीज़ फ्री करता था पहले भी, तो बच्चे सीरियस नहीं पढ़ते थे। उनको लगता था कैसे फ्री का चीज़ है, नहीं कहता घर की मुर्गी दाल बराबर वही चीज़ होता है नहीं। तो उनको जो है मतलब कि बड़ा बढ़िया से समझना है, अच्छे से समझना है तो काम देगा, क्योंकि ये मौका फिर से आपको नहीं मिलने वाली है कि फिर से मैं साइकोलॉजी अलग से एक डेढ़ साल पहले पढ़ाऊँ। तो अच्छे से पढ़ना, ठीक है। हाँ, कुछ मेघना जी बता रही है, बोलिए। सर जी, जो आपने वाली बताया पॉइंट, मन में दृश्य प्रतिमाएं बनाकर वो मानसिक अभिव्यक्ति करता है, दृश्य में इस, ये ऐसे है क्या? आप ये बता रहे हो कि जैसे कि मान लो ये वाला पीरियड जैसे एडोलेसेंस पीरियड है, किशोरावस्था का पीरियड है।